हेलो फ्रेंड्स, मैं भाविनी, एजी कुकिंग हाउस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ चीकू मिल्क शेक। ये मैं चीकू में से बना के रेडी करने वाले हूँ। ये मैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में, कम समय में ये बना के रेडी करके आपको दिखाने वाली हूँ। आज आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करना, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कॉमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो आइए हम ये रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चीकू शेक बनाने के लिए मैंने ये मीडियम साइज़ के चीकू लिए हैं। तीन को मैंने क्लीन करके कट बना लिए हैं। अभी इसको मैं मिक्सर जार में ऐड कर लेती हूँ। तो ये मैंने जूसर जार ले लिया है, तो ये चीकू को मैं ऐड कर लेती हूँ। ये चीकू के साथ मैं 2 ग्लास जितना मिल्क ऐड कर लूँगी। मिल्क को मैंने पहले से गर्म कर लिया था और उसको मैंने ठंडा कर लिया। एकदम चिल्ड मैं ये मिल्क यूज़ कर रही हूँ। ये मैं 2 ग्लास मिल्क ऐड कर लिया है। मिल्क ऐड हो जाने के बाद इसमें मैं 2 चम्मच शुगर ऐड कर लेती हूँ। शुगर हमें 2 चम्मच ही यूज़ कर रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी इसमें मैं 2 बूंद जितना केवड़ा एसेंस आता है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ केवड़ा एसेंस, मैं 2 बूंद ऐड कर लेती हूँ। हम इतने इंग्रेडिएंट्स में अभी ये चीकू शेक बना के रेडी कर लेते हैं। मैंने इधर ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है, तो हमारा बहुत ही अच्छा चीकू शेक बन के रेडी होगा। तभी इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। अभी ये जार का मैं लिड ओपन करके आपको दिखा रही हूँ हमारा ये कितना अच्छा चीकू शेक बन के रेडी हुआ है। आपको मैं दिखाती हूँ हमारा ये कैसा चीकू शेक बन के रेडी हुआ है। हमारा ये बहुत थिक भी नहीं, बहुत थिन भी नहीं, हमारा मीडियम बेस में ये रेडी हुआ है। ये शेक को मैं सर्व कर लेती हूँ। ये हमारी तुरंत बन जाने वाली रेसिपी है, आप ये एक बार घर पे बना के जरूर ट्राई करना। तभी इसके ऊपर मैं ये 1 चम्मच जितना दूध में से जो हमारी मलाई निकलती है वो मैं उसके ऊपर ऐड कर लेती हूँ। हमारा कितना अच्छा ये चीकू शेक दिख रहा है और टेस्ट में ये बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हुआ है। आप ऐसे ही बना के रेडी करना, ये हमारी तुरंत इंस्टेंट बन जाने वाला ये शेक है। कुछ मीठा खाना अचानक पसंद करते हो तो आप ये बना सकते हो। आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर जरूर करना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकॉन आपने प्रेस ना किया हो तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।